आपका नामांकन दाखिल कर दिया है। गोंडा में एक बड़े नेता के खिलाफ आपका जो है मुकाबला है, क्या कहना चाहते हैं, कैसा लगता? जनता सबसे बड़ी होती है। चलिए दूसरा सवाल, आप मानिकपुर से स्ट्री सीटर है, कैसे जनता को समझाएंगे कि आप स्ट्री सीटर नहीं थे, आपकी इच्छा भी नहीं है, कैसे समझाएंगे वाले? क्या नहीं, आप अपने बारे में बताएंगे ना कि दूसरे के बारे में? जो दूसरे वाले हैं क्या वो साधु महात्मा है क्या? नहीं, आप अपने बारे में कैसे जनता को समझाएंगे? जनता सब जान रही, समझ रही है, दूसरे वाले क्या है? चलिए तीसरा मुद्दा क्या है, मुद्दा क्या है आपका? महात्मा है वो, महात्मा है उनके। मुद्दा क्या है आपका गुलशन जी, मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा है सिर्फ विकास का, रोड बनेंगे, लाइट, खंभा, तार, पानी, बीज। आपने जो ट्वीट किया था अभी अपनी जान को लेकर, वो कैसा ट्वीट था, क्या था वो मामला? वो सही था क्योंकि उनको धमकियां मिली थी। शहीद जवाहरलाल की पत्नी लगातार आपके टिकट को लेकर सोशल मीडिया से लेकर सब जगह एक्टिव है, उनको दूसरा वर्ग बहुत नाराज है, वो कैसे उसको संतुष्ट करेंगे? वर्ग देखिए, आप लोग चाहे जो बना दें, हम तो चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव आप लड़ रहे हैं। सुनिए, हम चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक बात कह रहे हैं, आप वहाँ की जनता से जाके पूछिए सही क्या है गलत क्या है, न्यायालय में चले जाइए देख लीजिए सही क्या है गलत क्या है। आपने उनसे पूछा जो बड़े वाले हैं दूसरे वाले, आपने उनसे पूछा? आप चुनाव लड़ रहे हैं, हम नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरे लोग भी लड़ रहे हैं वहाँ से, उनसे भी तो गुंडा में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? आप लोग चाहे गुंडा बना दीजिए, चाहे गुंडा में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? गुंडा में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है गुलशन जी, क्या लगता है गुंडा में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? देखिए 30 साल से वहाँ जो विधायक जी थे उन्होंने विकास नहीं किया है, मेरा मुद्दा है सिर्फ विकास। मेरी पत्नी नगर पंचायत की चेयरमैन है और आप जाके नगर पंचायत की तस्वीर देखिए क्या है। आप भी तो उन्हीं के साथ रहते थे तो क्या तब नहीं दिखा था ये सब चीजें? चलो।